हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अवंतिका ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, मैथ्स, करंट अफेयर, ये सारी क्लासे आपको लगातार दी जा रही हैं। मैं जो करंट अफेयर करा रहा हूं उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेंगे। लगभग 60 से 80% जीके और जीएस का पोर्शन आपका करंट अफेयर से कवर होता चला जा रहा है। बाकी आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ते रहें, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। मैं हर सब्जेक्ट को कराऊंगा पेपर की कमर तोड़ने के लिए। पेपर की कमर तोड़ने के लिए अवंतिका क्लासेस आ गई है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इतना हेल्पफुल साबित होने वाला है कि गवर्नमेंट एग्जाम आपके लिए खेल लगेगा। तो स्टूडेंट, जिन लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो फटाफट, 5 लोगों को शेयर कर दो, 5 लोगों को सब्सक्राइब करवा दो ताकि उनके सपने भी जल्दी से आसान हो जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लासेस की, आज के मोटिवेशन वाक्य के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है लाडलो, मुश्किल नहीं है कुछ भी काम इस दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो करो। सपने बदलेंगे तेरे भी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो देखो, बिना कोशिश के कभी भी कोई काम नहीं होता। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए लाडलो, आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के क्लासेस की। क्या है पहला क्वेश्चन कि केरल के सीएम ने ले ली है शपथ। तो कौन है केरल के सीएम, किनने ली है शपथ? तो याद रखना लाडलो, जो केरल के सीएम बने हैं अभी, जिन्होंने शपथ ली है, वो बने हैं पिनरई विजयन। कौन बने हैं लाडलो? पिनरई विजयन, इन्होंने ली है शपथ। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा करंट अफेयर का पॉइंट। अब लाडलो समझ लो कि केरल का भंडारा करते हैं। क्या करते हैं लाडलो? केरल का भंडारा करते हैं और जानते हैं केरल के बारे में। अब हम क्या करेंगे? केरल का करते हैं लाडलो भंडारा। क्या आएगा केरल से देखो, अगर आपसे पूछ दो लाडलो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें पाया जाता है लाडलो? केरल में पाया जाता है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दे केरल की गंगा किसे कहते हैं लाडलो? केरल की गंगा कहते हैं पेरियार नदी को। फिर लाडलो आपसे पूछ दे कि पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। कौन सा बांध है लाडलो? इडुक्की बांध है किस पे? पेरियार नदी पे। फिर लाडलो आपसे पूछ दे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है लाडलो। फिर आपसे पूछ दे एक पार्क और पूछा जाता है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है लाडलो? तो याद रखना, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। ठीक है लाडलो, याद रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है केरल से कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, सबरीमाला मंदिर जो है वो भी केरला में स्थित है लाडलो, केरला में स्थित है। और ये किसका था? तो एक ब्रह्मचारी थे, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर था। इसीलिए इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर निषेध था और इससे विवाद होते रहता था। ठीक है लाडलो, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले एक मंदिर और, पद्मनाथ मंदिर पद्मनाथ
पद्मनाभ मंदिर पूछ दे तो ये भी कहां है लाडलो, केरल में है, केरल में है। और अगर पूछ दे कि इसका निर्माण किसने सॉरी इसका निर्माण किसने कराया था तो राजा मार्तंड ने, राजा मार्तंड ने इसका निर्माण कराया था लाडलो, राजा मार्तंड ने इसका निर्माण कराया था। और द्रविड़ शैली में ये मंदिर है, छाप लो द्रविड़ शैली में ये मंदिर है। फिर एक व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाता है लाडलो, एक व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाता है, उसका नाम जो है उसका नाम कई बार आपसे पूछा जाता है, अगर वो आपसे पूछ दे, अगर वो आपसे पूछ दे कि अगर वो आपसे पूछ दे, अगर वो पूछ दे, एक केरल के एक फेमस व्यक्ति है बच्चों, जो पॉलिटिकल साइंस जिनके बिना अधूरी है, अच्छी भारत का संविधान पढ़ दिया और उनका नाम नहीं पढ़ा तो समझ लो लाडलो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, पूरे गोवर हो तुम, ठीक है। किसका नाम, केशवानंद भारती का नाम। तो केशवानंद भारती जी जो थे, केशवानंद भारती जो थे वो केरल के ही थे, तो केशवानंद भारती का नाम याद रखना। भारत की संविधान की, भारतीय संविधान में आज तक की सबसे बड़ी पीठ, सबसे बड़ी जो पीठ बैठी थी, सबसे बड़ी पीठ आज तक की 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ जो है लाडलो वो केशवानंद भारती केस में बैठी थी। और इस केस में, लाडलो इस केस में संविधान की मूल संरचना बताई गई थी। क्या बताई गई थी, संविधान की मूल संरचना की परिभाषा दी गई थी कि कौन जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना में शामिल होगा और कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना में शामिल नहीं होगा। ठीक हो गया लाडलो, ठीक हो गया। एक व्यक्ति का नाम और याद रखो, उनका नाम है, अन्ना चांडी। अन्ना चांडी का नाम पूछा जाता है, अगर तुमसे पूछ दे, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखना अन्ना चांडी थी। और ये कहाँ की थी, केरला की थी। एक नाम और, वर्गीज कुरियन, छाप लो छपता है, श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। कहाँ के थे, केरला के थे, तो यहां लिख दे रहा हूं श्वेत क्रांति का जनक कौन था, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक थे। और ये भी कहां से थे लाडलो, ये भी कहां से थे, तो केरल से रिलेटेड थे वर्गीज कुरियन। तो देखो कितने क्वेश्चन हम खाली पढ़ने आए थे, केरल के सीएम ने शपथ ली है पिनरई विजयन ने, और कितने क्वेश्चन हो गए जरा काउंट करो, तो कम से कम लाडलो 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारे इस करंट अफेयर के क्वेश्चन से तैयार हो चुके हैं। याद रहेगा केशवानंद भारती का नाम, याद रहेगा अन्ना चांडी का नाम, याद रहेगा वर्गीज कुरियन का नाम, याद रहेगा बाकी साइलेंट वैली, पेरियार नदी, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है लाडलो। फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट और जल्दी से कर दो मेरी वीडियो शेयर, फटाफट से वीडियो शेयर करो, जितने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे उतनी मेहनत करूंगा ज्यादा, ताकि आप लोग जल्दी से सफल हो सको, मुझे भी मोटिवेशनल करते रहो लाडलो। आइए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज देखिए, अंटार्कटिका में सबसे बड़ा हिमशैल टूट गया है। तो अंटार्कटिका से क्या हुआ है लाडलो, अंटार्कटिका से एक हिमशैल टूटा है, और इस हिमशैल का नाम याद रखना, इस हिमशैल का अगर नाम पूछ दे कि कौन सा हिमशैल टूटा है लाडलो, तो याद रखना A76 से टूटा है। कौन सा टूटा है, A76। कितना बड़ा है, तो 4320 वर्ग किलोमीटर का ये हिमशैल है, ठीक है लाडलो, 4320 वर्ग किलोमीटर का ये हिमशैल है। अब तुम जानो कि क्या कारण रहा होगा कि ये टूट जाए। तो लाडलो होता ये है अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो बर्फ जो है पिघलने लगती है, और पिघलेगी तो अलग होने की कोशिश करेगी, फिर जो है वो टूट गया, अलग हो गया। तो कारण क्या रहा, तापमान का बढ़ना। अब तापमान बढ़ना मतलब ग्लोबल वार्मिंग,
क्या काट लो, ग्लोबल वार्मिंग। याद रहेगी बात, याद रहेगी बात। तो ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर से ये हिमशैल क्या हो गया है लाड लो, ये हिमशैल क्या हो गया है, टूट गया है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब सीधी सीधी बात है बच्चों, थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा जान दो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जान लो। सबसे पहला पॉइंट बच्चों आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों होता है, क्यों होता है? तो ताप वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण होता है, तापमान में वृद्धि के कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। फिर लाड लो आपसे पूछ दे, फिर आपसे पूछ दे कि इस ग्रीन हाउस को परिभाषित किसने किया था, तो सबसे पहली इसकी डेफिनेशन जो दी थी, सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन दी थी लाड लो, वो दी थी जो ग्रीन हाउस को परिभाषित किया था, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दी थी ये पूछा जाता है, किस व्यक्ति ने दी थी? तो याद रखना जोसेफ ने दी थी, जोसेफ फोरियन ने सबसे पहले इस शब्द को परिभाषित किया था। फिर लाडलो अगर कभी तुमसे पूछ दे, फिर अगर तुमसे पूछ दे कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करने में, ग्रीन हाउस को प्रभावित करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो ग्रीन हाउस में सर्वाधिक योगदान, अगर पूछ दे कि सर्वाधिक योगदान किसका होता है लाडलो, तो मैं एक क्रम लिख दे रहा हूं। सबसे पहला नाम याद रखना, सबसे पहला नाम लाडलो याद रखना, जलवाष्प। कौन सा? जलवाष्प सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। फिर बच्चों अगर जलवाष्प के साथ जलवाष्प ना हो तो पक्का है कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा ऑप्शन में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पक्का है मेथेन होगा ऑप्शन में, अगर मेथेन ना हो तो पक्का है ओजोन होगा। लेकिन ये चारों हो और इसमें सर्वाधिक पूछा हो तो आप जलवाष्प को टिक कर दोगे, ठीक हो गया लाडलो, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया होगा ना पॉइंट। अब बच्चों इससे ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो सकता है, तो यार देखो इससे होता क्या है, इससे जो है बाढ़ आने की कंडीशन होती है, बाढ़ आना, ठीक है। साथ ही साथ लाडलो बाढ़ आती है और समय से पूर्व आम में बौर आना, समय से पूर्व आम में बौर आना, ये भी जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव का ही एक कारण है लाडलो। ये दोनों जो चीजें उत्पन्न होती हैं ये ग्रीन हाउस के ही कारण होती हैं, ठीक हो गया लाडलो। अब थोड़ी सी चीजें जान लो अंटार्कटिका के बारे में, किसके बारे में? अंटार्कटिका के बारे में। अगर तुमसे पूछ दे कि भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित था, तो याद रखना बच्चों भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र जो था वो था दक्षिण गंगोत्री। कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। और कहाँ पे स्थित था लाडलो? तो ये अंटार्कटिका में स्थित था। फिर लाडलो आपसे पूछ दे ये तो रहा पहला, अगर पूछ दे दूसरा कौन सा था तो याद रखना लाडलो मैत्री था और ये भी अंटार्कटिका में ही था। फिर पूछ दे लाडलो अब तीसरा कौन सा था, अगर तीसरा आपसे पूछ दे तो याद रखना भारती, अगर तीसरा आपसे पूछ दे, तीसरा अनुसंधान केंद्र पूछ दे भारत का, तो भारती था और ये भी कहाँ था? अंटार्कटिका में। तो याद रहेगा दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका के अंदर, दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री अंटार्कटिका के अंदर, तीसरा भारती अंटार्कटिका के अंदर। एक क्वेश्चन और लिख लो माउंट एवर्स अब अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा? माउंट एवर्स अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय
ज्वालामुखी है, ठीक है लाडलो, याद रहेगी बात। तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एवर्स है लाडलो, याद रहेगी, याद रहेगा, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट। अवंतिका ऑनलाइन क्लासेस, अवंतिका क्लासेस आपके सपनों की क्लास है, आपके माँ बाप के सपनों की क्लास है, इसको इतना शेयर कर लो, इतना शेयर कर लो कि मेरा हौसला और बढ़े, मैं और आप लोगों के लिए मेहनत करूं, ठीक है लाडलो, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, अब बढ़ते हैं हम आगे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूनेस्को ने अपनी संभावित लिस्ट में शामिल किया 6 भारतीय स्थलों को। तो लाडलो यूनेस्को ने क्या किया है, उन 6 स्थलों को शामिल किया है। लेकिन सबसे पहले हम जान लें यूनेस्को के बारे में। तो पूछ गए इसकी स्थापना कब हुई, अगर पूछ गए इसकी स्थापना कब होती है लाडलो, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। फिर पूछ दे भारत कब शामिल हुआ इसमें, तो याद रखना भारत 1946 में शामिल हुआ। फिर पूछ दे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में लाडलो, फ्रांस में है पेरिस। फिर पूछ दे कि यूनेस्को है इसमें कुल देश कितने हैं, कुल देश लाडलो पूछ दे, तो याद रखना कुल देश हैं 193 इसमें कुल देश हैं। फिर लाडलो आपसे पूछ दे कि भारत की कुल कितनी साइडें हैं, कुल साइड कितनी है अभी, तो याद रखना भारत की कुल इसमें कितनी साइडें शामिल हैं, तो 38 शामिल हैं। किसनी शामिल है लाडलो, 38 साइड जो है भारत की इसमें शामिल है, याद रहेगी बात, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं जो 6 भारतीय स्थलों को शामिल करने की ये बात कर रहा है उसकी, तो पहला स्थल कौन सा है, पहले स्थल की बात करें लाडलो, अगर पहले स्थल की बात करें तो हमारा पहला स्थल जो है लाडलो, पहला बताया है इन्होंने वाराणसी का गंगा घाट बोले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है लाडलो। फिर उन्होंने दूसरा कहा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए बोला इन्होंने, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये है हमारा एमपी के अंदर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। फिर तीसरा आपसे पूछ दे तो सैन्य वास्तुकला इसमें क्या किया है, इसमें शिवाजी के जितने भी किले थे सब शामिल कर दिए हैं, कहाँ का है ये, महाराष्ट्र का, कहाँ का है लाडलो, ये महाराष्ट्र का है। फिर चौथी साइड अगर पूछ दे तो चौथी है हीरे वेंकल और इसमें क्या है, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, हीरे वेंकल बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं इसमें हीरे वेंकल में, तो हीरे वेंकल कर्नाटक में है लाडलो, कहां पर है, कर्नाटक में। फिर अगर आपसे पूछ दे कि नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट तो ये लाडलो कहां है, ये है एमपी के अंदर। फिर अगला पूछ दे आपसे काँचीपुरम मंदिर तो ये 6 साइडें रही बच्चों ये कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ है लाडलो, तमिलनाडु में ये 6 साइडें रही जो कि यूनेस्को कह रहा है कब हम जो इसे शामिल कर देंगे, ठीक हो गया लाडलो, ठीक हो गया, फटाफट से लो अपना स्क्रीनशॉट, तुम्हारे सपनों की क्लासेस का स्क्रीनशॉट ले लिया लाडलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन ये जो है इसने अपनी रैंकिंग सूची जारी कर दी है, इसने क्या किया है, रैंकिंग सूची जारी की है
क्या किया है लाडलो, इसने अपनी रैंकिंग सूची जारी की है। अब देखो लाडलो, ये एक सपने हैं कि हम एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम 100 एक ही 100 से स्मार्ट सिटी, हालांकि ये कर कुछ नहीं रहे, खाली सूची पे सूचियां जारी करते जा रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, करवा कुछ नहीं है, बस सूचियां जारी करते रहो। यहाँ देश के हालात ऐसे हो रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग सूची जारी करी है इन्होंने। तो इसमें टॉप रैंक पे कौन है लाडलो, टॉप रैंक पे कौन है लाडलो, यानी कि फर्स्ट नंबर किस राज्य को मिला है ये आपसे पूछा जाएगा। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, प्रथम स्थान पर राज्य पूछ सकता है, तो याद रखना झारखंड, झारखंड जो है झारखंड प्रथम स्थान पे है। फिर आपसे पूछ दे द्वितीय स्थान पर कौन है लाडलो, द्वितीय स्थान पर कौन है, तो याद रखना मारो राजस्थान, कौन सा मारो राजस्थान जो है द्वितीय स्थान पर है लाडलो। फिर याद रखना अगर पूछ दे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा है, तो टॉप रैंक में जो शहर मिला है वो शहर क्या है लाडलो, वो है भोपाल, कौन सा है लाडलो भोपाल। अब बात करते हैं इस बात की कि जो कुछ पॉइंट है, जैसे भोपाल से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है, पूछ दे लाडलो कहाँ पे स्थित है, तो भोपाल में स्थित है लाडलो, कहाँ स्थित है भोपाल में। फिर आपसे पूछ दे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो याद रखना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भी लाडलो कहाँ है, ये भी भोपाल के अंदर है। फिर आपसे पूछ दे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है लाडलो, तो याद रखना ये है झारखंड में, कहाँ पे हजारीबाग में है, और जगह क्या है झारखंड लाडलो, क्या है झारखंड। फिर लाडलो अगर आपसे पूछ दे कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपसे पूछ दे कहाँ है, तो याद रखना ये है मारो राजस्थान में है लाडलो, ये है भामाशाह की नगरी राजस्थान में। ठीक हो गया लाडलो, ठीक हो गया, कंफर्म हो गई ये बातें, सारे पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं। अब जान लो जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसके बारे में, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में लाडलो जान लेते हैं थोड़ा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो देखो जो स्मार्ट सिटी मिशन है लाडलो, ये जो है कब स्टार्ट हुआ था पूछ दे, कब बात कही गई इसकी, तो 25 जून 2015 को, कब 25 जून 2015 को। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि इसका पहला शहर कौन सा है, पहला शहर लाडलो याद है किसी को तो कमेंट बॉक्स में छाप दो, पहला शहर कौन सा है फटाफट से छापो कमेंट बॉक्स में, स्मार्ट सिटी का पहला और 100वां शहर कौन सा है। तो प्रथम शहर है लाडलो, प्रथम शहर है भुवनेश्वर। किसकी राजधानी है ये उड़ीसा की। तो पहला शहर है भुवनेश्वर। और अगर पूछ दे 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी होगी, 100वीं स्मार्ट सिटी तो किसकी होगी, शिलोंग होगी। और शिलोंग क्या है लाडलो, मेघालय की राजधानी। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और मेघालय की राजधानी शिलोंग, उनमें से भुवनेश्वर है पहला और शिलोंग जो है 100वां है। ठीक हो गया लाडलो, ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आपके सपनों की क्लासेस का स्क्रीनशॉट, फटाफट से अगर रियल में तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और अगर मेरी मेहनत का मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस 5 सब्सक्राइब करवा दो, 5 लोगों को शेयर करा दो, ताकि मेरा मोटिवेशन वैल्यू बढ़ती रहे। फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट।
ले लिया है लो। अब शुरुआत करते हैं अपनी कमर तोड़ सीरीज की। लाडलो अपनी कमर तोड़ सीरीज की। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि रतौंधी रोग तो याद रखना विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी रोग। और पूछ दे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फिर आपसे पूछ दे लाडलो, फिर आपसे पूछ दे कि काराकोरम दर्रा, जो काराकोरम दर्रा है वो कहाँ है लाडलो, तो याद रखना लाडलो, लद्दाख में है। कहाँ है लाडलो, लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। फिर आपसे पूछ दे लाडलो कि उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है लाडलो, तो आर्टिकल 18 आर्टिकल में जो है उपाधियों के अंत की बात कही गई है। ठीक हो गया लाडलो, ठीक है। फिर आपसे पूछ दे जो अम्फान चक्रवात ये कहाँ आया था, तो बंगाल की खाड़ी से। किससे आया था लाडलो, बंगाल की खाड़ी से आया था अम्फान चक्रवात। फिर लाडलो आपसे पूछ दे कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना लाडलो, नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक हो गया लाडलो, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ले लिया, अब बढ़ते हैं आगे लाडलो। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ लाडलो, तो याद रखना 1974 में हुआ। और नाम क्या था, नाम था स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। वही अगर दूसरा पूछ दे लाडलो, दूसरा हुआ था 1998 में और नाम था इसका ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था लाडलो इसका, ऑपरेशन शक्ति। फिर अगर आपसे पूछ दे लाडलो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था लाडलो, तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। फिर आपसे पूछ दे कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। फिर आपसे पूछ दे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, पूछ दे तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अपने सपनों की क्लासेस का, अपने माँ बाप के सपनों की क्लासेस का स्क्रीनशॉट फटाफट से कर दो शेयर। ले लिया लाडलो, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपसे पूछ दे कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ लाडलो, तो याद रखना लाडलो, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। कब हुआ, 1919 में। फिर आपसे पूछता है अजंता की गुफा कहाँ पर है, तो याद रखना महाराष्ट्र के अंदर है अजंता की गुफा। फिर आपसे पूछ दे कि मैरीकॉम किससे संबंधित है, तो याद रखना मैरीकॉम कौन है,
एक बॉक्सर है, कौन है लाडलो? एक बॉक्सर है। फिर अगर आपसे पूछ दे, फिर आपसे पूछ दे कि जब थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी लाडलो, तीसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी, थर्ड बौद्ध संगीति के समय, थर्ड बौद्ध संगीति के समय कौन राजा था? तो राजा कौन था लाडलो? राजा था अशोक। और किस जगह हुई थी पूछ दे, किस जगह हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र का पुराना नाम, पुराना नाम कुसुमपुर था। कौन था लाडलो? कुसुमपुर था पाटलिपुत्र का पुराना नाम। ठीक हो गया लाडलो। फिर अगर आपसे पूछ दे, फिर अगर आपसे पूछ दे कि जीएसटी, जो जीएसटी है, जीएसटी किस सूची का विषय है? तो याद रखना लाडलो, याद रखना संवर्ती सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। और लागू करने वाला पहला राज्य जो था, पहला राज्य जो था वो था असम। सबसे पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? असम में लागू हुआ। अगर पूछ दे कौन सा संविधान संशोधन है, तो 101वां संविधान संशोधन है ये। फिर लाडलो आपसे पूछ दे, फिर आपसे पूछ दे कब हुआ शुरुआत? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को ये प्रारंभ हुआ। ठीक हो गया लाडलो, ठीक हो गया। तो फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट। अवंतिका क्लासेस, आपके सपनों की क्लासेस, आपके माँ बाप के सपनों की क्लासेस, अपने सपनों को पूरा करना है। अवंतिका क्लासेस के एक एक वीडियो को देखते चले जाओ, पेपर को बिल्कुल और बिल्कुल आप नस्ते नाबूद कर दोगे। कमर तोड़ सीरीज तो पेपर के लिए ही बनी है लाडलो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है लाडलो, फटाफट से चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो शेयर और कर दो लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।